आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के एक नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है। हर स्टेट में पीसीसी के प्रेसिडेंट्स और सीएलपी लीडर्स प्रेस से मुताफिक होंगे और वहाँ पे पेगासस को लेके एक स्टेटमेंट देंगे। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं पूरे कंट्री में एक सेंसेशन खड़ा हो गया है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट चल नहीं पा रहा है, वजह है पेगासस जो स्पाईवेयर है इसराइल का, उससे जो सर्वेलेंस किया गया है, हैकिंग किया गया है फ़ोन का, जिसमें आपके कैबिनेट के 2 मिनिस्टर्स, आपके डिफेंस फोर्सेस के हेड्स या प्रेजेंट या रिटायर्ड, आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर और जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, लॉयर्स, प्रेस वाले, करीबन मेरे ख्याल में 18 प्रेस वाले, एडिटर्स हो या बाकी जर्नलिस्ट हो, उन सब का फ़ोन हैक किया गया है इसराइल का जो स्पाईवेयर है पेगासस को लेके। पेगासस इज ओन बाय NSO, एन इसराइली ऑर्गेनाइजेशन, इसराइली कंपनी। एज पर इज वेबसाइट दे सेल देयर स्पाईवेयर और देयर सॉफ्टवेयर टू ओनली गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड टेररिज्म एक्टिविटीज। अब उससे पता क्या चलता है कि हमारे देश में पेगासस के ज़रिए अपोजिशन के लीडर्स, जो आपके अपोजिशन के लीडर्स हो, एक तो राहुल गांधी जी का, बाकी अपोजिशन के लीडर्स से उनका फ़ोन हैक किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर लवासा जी का फ़ोन हैक किया गया है, जिस लेडी ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजन गोगोई को एक्यूज़ किया था सेक्सुअल मोलेस्टेशन का, उसका भी, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड्स का, लॉयर मिलिंदा एंड गेट्स फाउंडेशन के जो डायरेक्टर थे उनका, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उनका जो हेड है उसका, और सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स, डिसेंटर्स, सब का फोन हैक किया जा रहा है। दिस इज नॉट ओनली इलीगल, इट्स अनएथिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, इट्स ए फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नॉट जस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलोन, इट्स ए फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले फोन टेपिंग नहीं होता था, फोन टेपिंग हुआ है, देर आर इंसिडेंट्स, फोन टेपिंग हुआ है, लेकिन फोन टेपिंग और आजकल का जो हैकिंग है, मोबाइल के ज़माने में जो हैकिंग किया गया है, टुडे मोबाइल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट कैन नॉट बी कंपेयर विद फोन टैपिंग। तो ये लोगों के जिंदगी में घुसा है, लोगों के सर्वेलेंस हो रहा है, तो ये एक जमहूरियत के लिए खतरा का आपका वो है, क्या कहते हैं, एक बड़ा निशान है। इसराइल का जो NSO है, उन्होंने किस किस को बेचा है ये सॉफ्टवेयर, ये जहाँ भी आपका अथॉरिटेरियन रजीम से उनको बेचा गया है, हंगेरी है, इलिबरल डेमोक्रेसी जिसको हम कह सकते हैं, उनको बेचा गया है। तो ये एक, दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत, SIT भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, उनके जरिए अगर इंक्वायरी हो तो कुछ सच्चाई सामने आ सकता है। गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी एम्बिवेलेंट अबाउट इट, द गवर्नमेंट वॉज क्वेश्चन अबाउट इट वेदर दे हैव एक्वायर्ड दिस पेगासस सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट वॉज नॉट फोर्थकमिंग। फेसबुक ने वे बैक इन 2019 मई में कहा है कि भाई हैक हो रहा है यहाँ पे फोन्स, गवर्नमेंट को रिमाइंडर भी भेजा है। उसी तरह जो आपका क्या है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उन्होंने भी गवर्नमेंट को 2-3 बार लिखा, ये पेगासस यूज करके लोगों के फोन हैक हो रहा है, इसमें कुछ करिए। हैज़ द गवर्नमेंट टेकन एनी एक्शन? नो, नॉट एट ऑल। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। इसमें न सिर्फ हमारे देश में, बाकी देशों में भी हो रहा है,
ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है, इट्स हैपनिंग फ्रांस में। आपका इमैनुअल मैक्रोन का फ़ोन हैक हुआ, उनके प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन हैक हुआ, उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर का हैक हुआ, तीन प्राइम मिनिस्टर और पता नहीं 6-7 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, तीन प्रेसिडेंट्स, सबके फ़ोन हैक हो रहा है। तो हम चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज के ज़रिए इसमें इंक्वायरी हो, तभी जाके सच निकल आएगा।